देखा आपने कितना मस्त हमारा क्रंची साउंड आया है कुकीज़ का, और इसके क्रम्स आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा क्रम्स नीचे की तरफ गिर रहा है, और इसके अंदर का टेक्सचर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारा टेक्सचर आया है, बिल्कुल बेकरी जैसा हमारा कुकीज़ का टेक्सचर। तो इसे मैं साउंड सुनाती हूँ, ये देखिए पैक साउंड भी कितना परफेक्ट हमारा आ रहा है नीचे के बेस में कुकीज़ का, और इसका कलर आप देख सकते हैं परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर हमारा आ चुका है। तो ऐसी अगर एगलेस बिना अंडे से बनने वाली अगर आप मेल्टिंग मोमेंट कुकीज़ बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और बना पाएँ। तो बिना किए देर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े से मिक्सिंग बाउल में हम यहाँ पे बटर डाल लेंगे और बटर को अच्छे से हमें इसे बीट करना है। बटर को तब तक बीट करना है जब तक ये एकदम क्रीमी और फ्लफ़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मैंने इसे बीट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, पाउडर शुगर डालेंगे और वनीला एसेंस डाल करके इसे भी अच्छे से हमें बीट करना है कम से कम 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से लाइट एंड फ्लफ़ी नहीं हो जाता। आप चाहे तो यहाँ इलेक्ट्रिक हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये हमारा बीट हो चुका है, कहीं से भी ग्रैनुल्स नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैदा लेंगे और इसे अच्छे से हम छान लेंगे। तो यहाँ पर विस्क की हेल्प से इसको अच्छे से हम कंबाइन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कोई मिल्क या वाटर ऐड नहीं कर रही, बस विस्क की हेल्प से इसी तरीके से इसे हम एक डो रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कुकीज़ का एकदम डो रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हमारा डो रेडी है। आप देख सकते हैं जब इसका टेक्सचर आ रहा है तो बिल्कुल जैसे हमारा आइसक्रीम का टेक्सचर होता है ना, एकदम बिल्कुल वैसा टेक्सचर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से जब टेक्सचर आने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपके कुकीज़ का डो एकदम परफेक्ट हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना स्मूथनेस टेक्सचर हमारा आ रहा है। तो बस इसे क्या करना है, अब इसके कुकीज़ बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में ये कॉर्नफ्लेक्स ले लिए हैं और कुछ इस तरीके से हाथ से मैं इसे तोड़ लूँगी। आप चाहें तो क्रशर की हेल्प से भी इसे क्रश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसे पाउडर नहीं बनाना है, थोड़े बहुत इसके ग्रैनुल्स रहने चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कुकी डो रेडी है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और सेट होने के बाद भी इसके कुकीज़ बना सकते हैं, पर यहाँ पे मैं ऐसे डायरेक्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा कुकी का जो आटा मैंने रेडी किया है यानी कि डो, उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे हम यहाँ पे पेड़े के शेप का मैं इस तरीके से लोई ले लूँगी और इस तरीके से कॉर्नफ्लेक्स में इसे कोट कर लूँगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसे दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से बस कॉर्नफ्लेक्स में इसे कवर कर लेना है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा कुकीज़ बन करके रेडी हो चुका है, इसे हम बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। तो यहाँ पे मेरा पार्चमेंट पेपर पे यहाँ पे मैं कुकीज़ को रख रही हूँ, और यहाँ पे ना इसे एक चीज़ का ध्यान रखें, इसे फ्लैट नहीं करना, प्रेस नहीं करना, बस इसको ऐसे गोल बना करके रख देना है। फ्लैट कर दिया ना तो उसके बाद ये जब बेक होगा ना तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं और एकदम सारी कुकीज़ ख़राब हो जाएंगी। इसी तरीके से दूसरा कुकीज़ हम बना लेंगे, और आप देख सकते हैं दूसरे कुकीज़ भी हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं। तो इसे भी हम यहाँ पर प्लेस करते रहें, और आप एक चीज़ का ध्यान दे रहे होंगे, मैंने इसे थोड़ा सा गैप दिया, स्पेस दिया है, दोनों को एकदम नज़दीक मैंने नहीं रखा है। अगर आपने दोनों को नज़दीक रख दिया तो जब ये बेक होकर के फूलेगा तो आपस में चिपक जाएगा, जिससे कि कुकीज़ का शेप भी बिगड़ जाएगा और अच्छे से पकेगा भी नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे कुकीज़ को बना लिया है, एकदम अलग अलग स्पेस में रखा है थोड़ी थोड़ी जगहों पर, ताकि इसे बेक होने के लिए एक स्पेस मिले कवर लेने के लिए। तो इसे अब हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कुकीज़ बन करके रेडी, एकदम परफेक्ट हमारी कुकीज़ बन करके रेडी हुई है, एकदम फुली फुली। तो यहाँ पे मैं इसका नीचे का बेस दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा परफेक्ट हमारा बेस आया है, एकदम परफेक्ट शेप आया है। तो मैं इसकी साउंड सुनाती हूँ, ये देखा आपने साउंड कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इसे मैं ब्रेक करके दिखाती हूँ, ये देखिए जब ब्रेक मैंने किया तो इसकी क्रंच आप सुन सकते हैं और इसके क्रम्स देख सकते हैं एकदम नीचे तक गिरे हुए हैं, जैसे बाहर में जो हमारी मार्केट में कुकीज़ जो मिलती है बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर आया है, और अंदर का आप देख सकते हैं क्रम्स भी वैसे ही आए हैं। तो बिल्कुल हमारी परफेक्ट हमारी कुकीज़ बन करके रेडी हो चुकी, एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन परफेक्ट क्रंची के साथ। तो आप देख सकते हैं ये हमारी मेल्टिंग मोमेंट कुकीज़ बन करके रेडी है, वो भी एकदम एगलेस। तो आप इस कुकीज़ को टी टाइम के साथ या ट्रैवल टाइम के साथ आप इसे ले जा सकते हैं, खा सकते हैं, एकदम परफेक्ट हमारी कुकीज़ बन करके रेडी है। और आप इसे स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में 7 डेज़ के लिए। तो एकदम परफेक्ट हमारा कुकीज़ बन करके रेडी हुआ। आपको ये मेरी कुकीज़ की रेसिपी कैसी लगी, बिल्कुल एगलेस मैंने बनाई थी, वीडियो बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।